भिलवाड़ा से बड़ी खबर है, युवती की हत्या, शव फेंका झाड़ियों में। भिलवाड़ा कोटा राजमार्ग का ये पूरा मामला है। सड़क किनारे झाड़ियों में मिला है शव। भीमगंज थाना पुलिस जुट रही है जानकारी, तो भीमगंज थाना पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही है। एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है मौके पर। युवती के शरीर पर बताए जा रहे हैं चोट के निशान। 18 से 20 साल की उम्र की बताई जा रही है युवती। पुलिस कर रही है युवती की शिनाख्तगी के प्रयास। युवती की शिनाख्तगी के प्रयास किए जा रहे हैं, जानकारी जुटाई जा रही है युवती के बारे में भी। तो वही इस पूरे मसले को लेकर के हर एक पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच पड़ताल पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो युवती की हत्या की गई है, शव भी झाड़ियों में फेंका गया है। भिलवाड़ा कोटा राजमार्ग का ये पूरा मामला है। सड़क किनारे झाड़ियों में युवती का शव मिला। भीमगंज थाना पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही है। एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। साक्ष्य जुटाने की कोशिश यहां से की जा रही है और जानकारी ये भी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किन वजहों से इस युवती की हत्या की गई, कौन है आरोपी जिन्होंने युवती की हत्या की है, हत्यारे कौन है, उनके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। तो युवती के शरीर पर चोट के निशान भी बताए जा रहे हैं। 18 से 20 साल की उम्र की युवती बताई जा रही है। तो वही दूसरी ओर पुलिस के द्वारा युवती की शिनाख्तगी के प्रयास भी लगातार किए जा रहे हैं। कोशिश और कवायद यही है कि जल्द से जल्द युवती की शिनाख्तगी हो सके। आखिर ये युवती है कौन, कौन हो सकते हैं हत्यारे, ये तमाम वो पहलू हैं जिनको लेकर के जांच पड़ताल की जा रही है। लगातार कोशिश और कवायद यही है पुलिस प्रशासन की कि जल्द से जल्द इस पूरे मसले का पटाक्षेप हो, इस पूरे मामले का खुलासा। अब इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, क्या युवती के बारे में जानकारी लग पाई? आयुषी, यह मामला बड़ा मोटा राजमार्ग का है, जहाँ पर सड़क से मात्र 10 से 11 फीट की दूरी पर झाड़ियों में एक शव मिला है। शव बड़ी संदिग्ध स्थितियों में है और हत्या की पूरी आशंका जताई जा रही है। पुलिस की जो प्रारंभिक जो तौर पर पुष्टि हुई है वो ये हत्या है युवती की, और संदिग्ध परिस्थितियां है क्योंकि उसके जो ऊपर के वस्त्र हैं वो भी अस्वस्थ स्थिति में है और किसी बड़ी घटना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इस पूरे मामले को लेकर अभी तक जो भीमगंज थाने का जो चेतक सबसे पहले सूचना मिलने पर जो एसआई कैलाश चंद्र है उनके नेतृत्व में मौके पहुंचे और युवती के जो शरीर है जो बिल्कुल ओपन पड़ा था उसको ढकने के साथ ही सुरक्षित रखवाया है। अब एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया, अभी तक आयुष की पुलिस को अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि ये युवती कौन है, कहाँ से आई, कैसे, कहाँ हत्या हुई, कुछ भी अभी कुछ तरह से पुलिस किसी भी तरह से कुछ कहना सक रही है। अगर ये बात तय है कि युवती की हत्या की गई है और सब जगह में फेंका गया है। आयुष, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन पूरी जानकारी के लिए। बीकानेर